वो वक्त आ ही गया। आज रात चांद का रंग लाल होगा और हम सभी भेड़िये मिलकर आज चिल्लाएंगे। सभी? क्या इस साल हम भी शामिल होने वाले हैं अकेला? हाँ हाँ बाला, अब तुम भी बड़े हो गए हो, इस साल के समारोह में तुम भी हिस्सा ले सकते हो। और मैं अकेला? तुम पूछ भी क्यों रहे हो, तुम पूरे भेड़िये नहीं हो। मुंह बंद करो फियोना, मोगली भी इस झुंड का वैसे ही सदस्य है जैसे तुम हो। हाँ क्यों नहीं मोगली, तुम भी जरूर आ सकते हो, पर तुम्हें हमारी तरह चिल्लाने की कोशिश करनी होगी। टेंशन मत लो, मैं कर सकता हूँ। ओ रहने भी दो मोगली, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो रात के समारोह में नहीं आ सकते। देखना मैं ये करके ही रहूंगा, भेड़ियों की तरह चिल्लाना सीखकर मैं रात में मिलता हूँ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेकार की कोशिश, ये मोगली भी कितनी आसानी से बहक जाता है। नहीं नहीं, तुम्हारे गले में कोई खराबी नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगी बोलू। ठीक है, ये शहद खा लो, इससे गले की तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं रात के समारोह में नहीं जा पाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही है मोगली, अगर तुम गए और ठीक से चिल्ला नहीं पाए तो तुम्हें झुंड से निकाल दिया जाएगा। क्या कहा? जो सुना। मेरी मानो तो इसी वक्त जंगल छोड़ दो, वरना भेड़ियों की सभा में खुद की बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। सही बात है, इसी में भलाई है। मेरा प्लान काम कर गया। अब मेरा पीछा छोड़ दो शेर खान। क्या, तेरी हवा क्यों नहीं खिसकी? मैं तो इस जंगल से ही खिसक रहा हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, अब तुम चैन से रहना। अरे नहीं बरखुरदार, चैन तो मुझे तब भी नहीं आएगा। एक बात सुनो बरखुरदार, एक बार फिर से धर पकड़ का खेल हो जाए मजा आ जाए। बच के जाने की सोचना भी मत इंसानी बच्चे। सोच नहीं रहा, जा रहा हूँ। अब बोलो क्या कहना है। इस शेर खान को कम मत समझ मरियम। शेर खान, उसकी दहाड़ का एक ही मतलब है, उसे मोगली मिला। शायद पीछे छूट गया। अरे नहीं, वो आ रहा है। ओ शुक्र है, किस्मत खुल गई मेरी, एक के साथ दो फ्री का ऑफर मिल गया, आज तो डिस्काउंट लंच खाऊंगा। वो शायद दूर चला गया। इतना भी दूर नहीं हूँ। हाँ?
पकड़म पकड़ाई अच्छा खेल है, पर इसमें जीतता तो मैं ही हूँ। अभी फैसला नहीं हुआ, दोस्तों मेरे पीछे आओ। यह हम सुरक्षित है, इतने कम जगह से वो अंदर नहीं आ सकता। हाँ, पर अब हम बाहर नहीं जा सकते। मत भूलो कि ये पुराना किला है, मेरे पंजे से तोड़ सकते हैं। देखा, मदद की पुकार, ये आवाज उन तक नहीं पहुंचने वाली। अच्छा तो पहले मुझे फ्री गिफ्ट खाने को मिलेंगे। बेकार कोशिश मत करो शेर खान, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्या है? हाँ? तरफ है, आवाज नीचे से आ रही है। ये क्या, तुम तो कोई और हो? ओ, माफ करना, मुझसे कोई गलती हो गई। हो कौन तुम भाई? मैं हूँ मोगली, मैं तो बस ऐसे ही मजे कर रहा था। पीछे देखो, बीच में आने की आदत छोड़ दे। बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तो डर गई थी। हाँ, अब तुम अपने दोस्तों के पास जा सकती हो, अपना ख्याल रखना। अब मैं झील के पास अपने दोस्तों से मिलने कैसे जाऊंगी? मेरे पंख आने में तो कई दिन लगते हैं। माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। वैसे झील कहाँ है? वहाँ उस पहाड़ी के पार, जो बंजर इलाका है ठीक उसके बाद वाली झील। गए हो कभी वहाँ? कहीं तुम शेर खान के इलाके वाली झील की बात तो नहीं कर रही? शेर खान, वो बाग ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, हम मिलकर ये कर सकते हैं। इस बार कहाँ जाओगे? चलो अंदर जल्दी। जा इंसानी बच्चे, इस टेस्टी चीज को मैं खाऊंगा। जहाँ जाएगी तेरे पीछे आऊंगा। इतनी भी जल्दी क्या है टवाकी? छोड़ मुझे, मेरे पूछ के बाल टूट जाएंगे। बाल बची मैं। ये नहीं बचेगा। ये देखो, ये कब फेंक दिया? का अंजाम बुरा होगा इंसानी चूसे। दफा हो जा नामाकूल। वो रही तुम्हारी झील, जहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब बचकर कहाँ जाएगी चिकन फ्राई? तेरा स्वाद लाजवाब होगा, है ना? उधर जाओ, मेरे दोस्त को मदद की जरूरत है। शुक्रिया। इतनी टेंशन मत लो हाथी, अभी बहुत टाइम है। कहीं ये नए पैदा हुए बच्चों की आवाज तो नहीं? और हर नए पैदा हुए हाथी के बच्चे को आम का रस पीना चाहिए। कुछ सोचा मोगली? वो बस तोड़ने ही वाला है। बंदर के बच्चे, हाथ आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। टबाकी, इंसानी बच्चे। बे
पीछा करो उनका और पता लगाओ किस मकसद से आए थे वो यहाँ पर। आउच, आउच, ये पेड़ का तना तो यहां पहले नहीं था और ना ही ये झाड़ियां। ओए शेर खान, कहां जा रहे हो? मैं यहां हूं। उधर ही आ रहा था, मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। अब हम क्या करें? यहां से चलते हैं। अब रहने दो, मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है पर खुरदार, कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? ऊपर जो इंसानी बच्चा बैठा है वो कहीं तेरा दादा तो नहीं है? कहाँ है इंसानी बच्चा? पलक झपकते ही कहां गायब हो गया। हेलो, शुक्रिया तबाटी।